नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए बिहार से क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं आ रही हैं। दोस्तों, पहली सूचना ये है कि शिक्षकों के लिए UN नंबर जारी किया गया है और इसकी एक सूची भी जारी की है। इसमें अगर UAN नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है या फिर अनुपलब्ध है तो आप अपना UAN नंबर जो कि सही है और SBI खाता अपना चेक कर ले और सूची से उसका मिलान कर ले। नहीं तो अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका वेतन भी बाधित हो सकता है। इसे आप महत्वपूर्ण समझें और इसे ज़रूर पूरा करें। आइए चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यह है माह अक्टूबर 2020 के वेतन भुगतान के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल इसी तरह से कार्य किया जाता है और दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह अक्टूबर 2020 का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर 2020 को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यह किस नियम के तहत है इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि अग्रिम वेतन भुगतान के बारे में बात की गई है कि अग्रिम वेतन भुगतान का निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 नियम 141 के तहत लिया जाता है। इसे एक बार फिर से आप देख लीजिए, बिहार कोषागार संहिता 2011 नियम 141 के तहत यह प्रावधान है कि अग्रिम वेतन भुगतान किया जाए। आइए चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए निर्वाचन कार्य से संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी प्राथमिक या मध्य विद्यालय उत्क्रमित या फिर उच्च विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक निर्देश दिया जाता है कि दुर्गा पूजा के अवकाश के अवसर पर भी पूर्व निर्धारित समय अनुसार अपने कर्तव्य पर विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। अर्थात दुर्गा पूजा या फिर दशहरा में किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी और सभी शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। आइए चलते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, यह 14वां एडिशन है CTET का, जिसका परीक्षा का दिनांक घोषित कर दिया गया है जुलाई 2020। इसे 5 नवंबर 2020 को परीक्षा का तारीख घोषित किया गया है। इसलिए आप इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं और इसे किसी भी तरह से मिस न करें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। आइए चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय निष्ठा में प्रशिक्षण चल रहा है जो कि 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक पहली मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल का पढ़ाई पूरी कर लेना है। तो दोस्तों, आप इसे किसी भी तरह से मिस न करें। हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि इस समय 3 मॉड्यूल का पाठ यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है। पहला है पाठचर्या और समावेशी कक्षा, दूसरा स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, और तीसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। दोस्तों, आप इसमें किसी तरह की जल्दीबाजी न करें और पाठ को अच्छी तरीके से समझें और उसके पश्चात ही अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।